आप ट्रेन में खा रहे हो या घर पे खा रहे हो, टेस्ट तो सेम ही रहेगा ना। तो अभी स्टाफ से कह के हमने प्लेट मंगवा ली है क्योंकि राइस और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये हो पाया है। और अब आपका भाई पता है क्या कर चुका है, लेकिन एकदम कड़क चाय, मटर पनीर। और मटर पनीर तो भाई देखने में एकदम टेस्टी लग रही है। ट्रेन नंबर 12432 त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस जो कि करेंटली इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस है और ये ट्रेन 2845 किलोमीटर को 41 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। और आज इस त्रिवेंद्रम राजधानी इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी करने वाले हैं और ये जर्नी बहुत स्पेशल होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज अपन लोग इस राजधानी एक्सप्रेस में एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास की जो भी सर्विसेज होने वाली हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि इतनी सुबह सुबह हम किसी राजधानी एक्सप्रेस में बोर्ड कर रहे हो। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। आज इस राजधानी एक्सप्रेस में जिस कोच में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं वो है ये H1। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको सीट और इंटीरियर दिखाते हैं त्रिवेंद्रम राजधानी के फर्स्ट क्लास का। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको इंटीरियर और सीट। एंटर होते ही भाई यहाँ कुछ पिंकिश सा कलर, एक कॉरिडोर, और आज जो अपन को केबिन मिला है वो मिला है F केबिन। दिस इज द फर्स्ट लुक हम लोगों के केबिन का। देख लो एकदम साफ सफाई, यार क्या मेंटेनेंस है यार, साफ सफाई अल्टीमेट मस्त है, साफ सफाई यार एकदम मेंटेन। पिलो वगैरह यहाँ देखो है, क्या मस्त पिलो है। ब्लैंकेट भी यहाँ कुछ पिंकिश टाइप्स है और बाकी सारी चीज़ें मस्त, साफ सफाई। मिरर देखो कितना साफ है, चार्जिंग सॉकेट, चार पैसेंजर चार चार्जिंग सॉकेट और एक कोच अटेंडेंट बेल। आज हमारी सीट है ये अपर बर्थ, सीट नंबर 18। निर्धारित समय 6:16 पर अपना डिपार्चर हो चुका है हजरत निजामुद्दीन से। निर्धारित समय से अपनी ट्रेन निकल चुकी है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें। तो हफ्ते में चलती है ये 3 दिन, ट्राई वीकली राजधानी है। संडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे सुबह 6:16 पर निकलती है हजरत निजामुद्दीन से और तीसरे दिन रात में 1:50 पर पहुँचा देती है अपनी डेस्टिनेशन त्रिवेंद्रम सेंट्रल। प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से हम लोगों के डिपार्चर के बाद 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। ट्रेन के डिपार्चर के बाद फर्स्ट एसी में सभी पैसेंजर्स को वेलकम रोज दिया गया। तो भाई यही तो है, एक्सपीरियंस और बढ़ाती है ये छोटी छोटी चीज़ें ही, एक्सपीरियंस और बढ़ाती हैं पैसेंजर्स की फर्स्ट एसी में, ताकि प्रीमियम ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हो तो आपकी जो जर्नी एक्सपीरियंस रहे वो भी प्रीमियम रहे।
कॉफ़ी हो गई है रेडी, चलो टेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, टेस्ट जो है इसका ठीक ठाक है, बट अभी हमने स्टाफ से पूछा तो रेडीमेड जो फर्स्ट एसी में देते थे ना पेंट्री से बनाकर चाय वगैरह, वो सर्व नहीं किया जा रहा है इसी तरह से। या तो आपको ये डिप वाली चाय मिलेगी, बताते हैं टी बैग वाली, या तो ये मिलेगी या फिर कॉफ़ी, दो ऑप्शन है आपके पास। चलो फटाफट से मॉर्निंग कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद देखो अभी क्रॉसिंग होने वाली है मुंबई तेजस राजधानी, वो दिखाते हैं। और आपको पता है कि अभी यहाँ से जो अपन हज़रत निज़ामुद्दीन से निकले हैं, अब 457 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली है अपनी त्रिवेंद्रम राजधानी, अब सीधा रुकेगी कोटा पे। सामने वो जो ट्रेन खड़ी थी इसमें WAG-9 लगा हुआ है, वो थी पटना कोटा एक्सप्रेस, और उसको यहाँ पर हम लोगों ने ओवरटेक मार दिया। और अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग मथुरा जंक्शन। तो ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट, और देखने में तो भाई काफ़ी बढ़िया और हैवी लग रहा है। यहाँ पर है इसमें वेज कटलेट, देखो ये है कटलेट, और साथ में चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, तो ये कॉफ़ी किट आ गई है। एक मैंगो ड्रिंक है, यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स है, ब्राउन ब्रेड दो, एक बटर है, एक जैम है, एक टोमेटो केचप, यहाँ पर ये है वाइट शुगर, शुगर एक्स्ट्रा है इसमें, और वही ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट, चलो इसमें जो है, और साथ में हमको यहाँ पर हॉट मिल्क दिया है, एकदम गर्मा गर्म दूध दिया है अपने कॉर्नफ्लेक्स के लिए। तो चलो फटाफट से इसमें डालते हैं दूध, मिल्क डालते हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिक्स करते हैं, रेडी करते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो पैक्ड आइटम्स हैं, तो उनका तो क्या ही टेस्ट बताना। मेन जो चीज़ है गर्मा गर्म कटलेट सर्व हुआ, इसको देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बढ़िया टेस्ट है यार, कटलेट का जो टेस्ट है ना एकदम फ्रेश, और गर्मा गर्म सर्व किया गया है साथ में वेजीज। वेजीज भी एकदम फ्रेश है, जो हम लोग मिल्क दिया है ना, जो मिल्क सर्व किया है वो भी एकदम गर्म है भाई। मौसम हो रहा है एकदम ठंडा, गर्मा गर्म दूध, गर्म गर्म कटलेट, वो भी टेस्टी, मस्त ब्रेकफास्ट है। ओवरऑल ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया है इस राजधानी के, फर्स्ट क्लास का।
457 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करके निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अभी अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे कोटा जंक्शन। एंड दिस इज द हेडक्वार्टर्स फॉर वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और इस रेलवे स्टेशन पे 3 लाइन्स आकर मिलती है, न्यू दिल्ली मुंबई कोटा बीना कोटा चित्तौड़गढ़। इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 11 लाइन्स बनी हुई हैं और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और यार वेदर यार एकदम अल्टीमेट हो गया यार, मतलब मज़ा आ रहा है, एकदम तगड़ी बारिश हो रही है। अभी देखा जो ब्रिज निकला था क्या बारिश हो रही थी यार, अभी भी बारिश हो रही है अराइवल के टाइम। और जब ट्रेन अभी रुक रही थी ना तब तो भाई गेट में बिल्कुल झरना बन गया था। कोटा जंक्शन पे आपको चाय नाश्ते की यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत कुछ भी ले सकते हो। वैसे भी अभी हम लोगों को तो क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग हैं राजधानी एक्सप्रेस में, तो इसमें तो सारी चीज़ें आपके टिकट में इंक्लूड रहती हैं। ब्रेड स्टिक बटर आ गया है, तो चलो टेस्ट करते हैं भाई कैसा सूप है। वैसे यहाँ पर जो हम लोगों को सर्व किया गया ये नॉर का ही सूप है, पेंट्री वगैरह में नहीं बन रहा है, जो फ्रेश बनाया जाता है ना पेंट्री में फिर सर्व करते हैं फिर स्टीसी में, वैसा इसमें नहीं है। चलो देखते हैं कैसा सही है सूप। बाकी भाई यार नॉर वाला आप ट्रेन में खा रहे हो या घर पर खा रहे हो टेस्ट तो सेम ही रहेगा ना, साथ में ब्रेड स्टिक बटर। ब्रेड स्टिक है ना बहुत क्रंची है, बढ़िया है भाई। राजधानी वगैरह में ट्रैवल करने का यही तो फ़ायदा है कि कुछ आपको साथ ले जाने की तो ज़रूरत होती नहीं खाना पीना, और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ सर्व किया जाता है। सूप बढ़िया पी लिया है, उसके बाद हम टहल रहे हैं और फर्स्ट क्लास में भाई यही तो मज़ा है कि आप खा लो पी लो और मस्त टहल सकते हो। यहाँ पर ये फैसिलिटी आपको मिलती है, जो कॉरिडोर है ना यहाँ पर बढ़िया, क्योंकि खाना पीना जितना ज़रूरी है भाई उतना टहलना भी ज़रूरी है। अब एक ही जगह बैठ के खाते पीते रहेंगे तो वो भी बॉडी के लिए सही नहीं है, इसलिए खाओ पियो टहलो। हम तो वैसे भी टहलते रहते हैं, चाहे फर्स्ट एसी हो चाहे थर्ड एसी हो चाहे स्लीपर हो, हम तो इधर से उधर टहलते ही रहते हैं, आधे से ज़्यादा सफ़र गेट पर निकल जाता है ये समझ लो। चलो थोड़ा टहलते हैं, थोड़ा देखो भाई आइए आइए निकल जाएंगे निकल जाएंगे। बस भाई टहलते रहो ये ज़रूरी है थोड़ा सा। दोपहर का बज रहा है 1:06 और हम लोगों को लंच सर्व कर दिया गया है। और लंच में देखो यहाँ पर एक आलू मटर की सब्ज़ी, दाल फ्राई, दही, एक मिक्स पिकल, पराठा और पनीर की सब्ज़ी, पनीर मसाला है और साथ में राइस। सबसे पहले आलू मटर की सब्ज़ी टेस्ट बढ़िया है भाई, आलू मटर की सब्जी का टेस्ट अच्छा है। दाल का भी टेस्ट भाई एकदम बढ़िया, सारा जो खाना है ना एकदम फ्रेश है और गरम गरम सर्व किया गया है। अब टेस्ट करते हैं पनीर, पनीर
पनीर का टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। और वेज और नॉन वेज का दो ऑप्शन रहते हैं ना, तो जो वेज में हमने वेज ऑर्डर किया था, यहाँ पर वेज में पनीर आया है, और अगर आप नॉन वेज करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस पनीर की जगह चिकन करी रहेगी। चलो इससे पहले ठंडा हो जाए हमारा लंच, फटाफट से लंच कर लेते हैं। अभी स्टाफ से क्या कि हमने प्लेट मंगवा ली है, प्लेट नहीं थी पहले क्योंकि चावल वगैरह खाने में दिक्कत होती ना, चावल कैसे खाते, बाउल ऑलरेडी इतना भरी हुई है। प्लेट में सारी चीज़ें निकालने के बाद ये देखो, अब प्लेट में सारी चीज़ें निकाल ली ना, अब जाके भाई फीलिंग आ रही है फर्स्ट एसी वाली। ये तो ऐसे बिना इस प्लेट के, बिना कटलरी के मज़ा नहीं आता भाई खाने में। लंच अपना हो गया भाई, मस्त खाना था यार, मज़ा आ गया, पेट एकदम फुल हो गया है। और खाने के बाद, लंच के बाद सभी पैसेंजर्स को सर्व किया गया मीठे में आइसक्रीम। बट यार मौसम इतना ठंडा हो रहा था, एसी चल रहा है, हमने सोचा नहीं खाते हैं यार, क्यों तबीयत पे रिस्क लेना भाई, तबीयत तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि इतनी बढ़िया ठंडक हो रही है बाहर, बरसात लगातार हो जा रही है ना, इसलिए फिर हमने आइसक्रीम खाई नहीं। लेकिन ये है कि मेन्यू में रहेगी, मीठे में आपको खाने के बाद आइसक्रीम दी जाएगी। बिल्कुल धीमे धीमे अपन लोगों ने स्किप किया है अभी जस्ट रतलाम जंक्शन, बड़ा ही स्लो स्किप था हम लोगों ने भाई, बड़ा स्लोली स्किप किया रतलाम जंक्शन को। और रतलाम जंक्शन से निकलने के कुछ देर बाद ना एक छोटा सा घाट सेक्शन आता है, काफ़ी बढ़िया वहाँ पर, मतलब पहाड़ वगैरह है, कर्व वगैरह आता है और एक टनल भी पड़ती है। और भाई बरसात हो रही है लगातार, पूरे में मस्त हरियाली भी है, तो चलो एक दो उस घाट सेक्शन के शानदार शानदार नज़ारे देखते हैं, और फिर देखो भाई शाम का टाइम हो जाएगा, चाय वगैरह पी जाएगी। यही अभी अपने पास यही वाली है, ठीक है, जिंजर टी यही बना। शाम हो गई है और हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स वगैरह सर्व कर दिए गए हैं। इवनिंग स्नैक में वही चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, लेकिन हमने अभी अलग से स्पेशल जिंजर टी लेकर बनवाई है, ठीक है। एक अंबिका जी का भेलपूरी, एक चीज़ सैंडविच, एक कचौड़ी, मीठे में एक ये लिखा है हल्दी नाम का ड्राई फ्रूट पिस्ता, मतलब वही सोन पापड़ी, एक आलमंड्स का पैकेट है, टोमेटो केचप। तो चलो सबसे पहले देखते हैं भाई कचौड़ी का टेस्ट कैसा है। कचौड़ी का टेस्ट जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा हमको। और ये जिंजर टी बनवाई है अलग से, तो इसका अलग चार्ज देना पड़ता है, जैसे हम ऑटो रेंज में भी बताया है, दिखाया है आपको, तो 20 रुपए की ये जिंजर टी पड़ती है। लेकिन एकदम कड़क चाय, हाँ।
निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं। अभी अपन लोग अपने सेकंड स्टॉप पे वडोदरा जंक्शन, जो कि इंडियन रेलवे का 9th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेन, और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 18 मिनट का स्टॉप है। और स्टॉप 18 मिनट का इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से डीजल लोकोमोटिव चेंज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक हटाया जाएगा, मतलब इल्लू भाई हटा के डिल्लू भाई लगाया जाएगा। लेकिन समस्या ये है, ये देखो ये लास्ट कोच है, हम लोग हैं यहाँ, लोको चेंज होगा वहाँ, तो यार पूरा क्रॉस करके जाना बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। जब तक जाएंगे आएंगे 20 मिनट तो ये समझ लो उसी में हो जाएगा, और फिर कपलिंग भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी तक तो लोको हटा दिया होगा। उसके बाद तैयार रखते हैं, हाल के हाल कपल कर दिया जाएगा भाई, क्योंकि राजधानी है, हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, तो इसमें तो फटाफट काम होता है एकदम से, है ना, इसलिए दिखा नहीं सकते। होता तो हम आपको दिखाते, इससे पहले एक बार मडगांव राजधानी में जब जर्नी की थी ना, तब हमने उसमें आपको दिखाया था जब यहाँ पर लोको उसका चेंज हुआ था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें आपको बतानी थी, तो चलिए हम आपको यही बता देते हैं, क्योंकि अपनी राजधानी का काफ़ी देर का स्टॉप है यहाँ पर। तो इंडियन रेलवे के नेटवर्क में जितनी भी राजधानी चलती है ना, आपके भाई ने सारी कवर कर डाली, और ये ना आखिरी राजधानी की जर्नी है हमारी, क्योंकि ये लास्ट राजधानी बची थी जिसमें अभी तक हमने जर्नी नहीं की थी। यही रीज़न है कि इसमें हम फर्स्ट एसी में जर्नी कर रहे हैं, ताकि लास्ट राजधानी को बढ़िया से फर्स्ट एसी में आपको दिखा दी जाए, जो भी सर्विसेज वगैरह हैं सारी चीज़ें। तो भाई आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये हो पाया है, और अब आपका भाई पता है क्या कर चुका है, फर्स्ट व्लॉगर बन चुका है जिसने इंडियन रेलवेज की सारी राजधानी एक्सप्रेस कवर कर दी है। तो भाई मज़ा आ गया यार। हाँ, चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर सारी राजधानी एक्सप्रेस की आपको जर्नीज मिल जाएंगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो जिस भी राजधानी की आपको जर्नी देखनी है। अब अपनी प्लेलिस्ट में इंडियन रेलवेज की सारी राजधानी की जर्नी मिल जाएगी आपको। डिपार्चर हो चुका है वडोदरा जंक्शन से, और बगल से आ चुकी है पश्चिम एक्सप्रेस बांद्रा अमृतसर। चलिए चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इस राजधानी के फर्स्ट क्लास का शावर रूम कैसा है। चलते हैं, पूरे कोच में एक ही रहता है, और ये है हमारा इस साइड। चलो आते हैं आपको शावर रूम, लगे लिखा ना बाथरूम। चलते हैं इसके अंदर, पहले करेंगे गेट को लॉक। तुम्हारा ये है शावर रूम, यहाँ पर हैंड वॉश, मिरर देखो एकदम चकाचक साफ। ये लगा है शावर, और ये लगा हुआ है गीज़र, यहाँ से बढ़िया गर्म पानी भी आ सकता है। और यहाँ पर हैंड शावर भी है, अगर आपको हैंड शावर यूज़ करना है तो वो भी है। एक मग भी दिया है नीचे की साइड। हजार 110 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अभी अपन लोग अपनी राजधानी एक्सप्रेस के तीसरे स्टॉप पे सूरत। और आपको बता दें, पहले अपनी त्रिवेंद्रम राजधानी का यहाँ पर ऑफिशियल होल्ड नहीं था, बट 19 जुलाई 2022 को अपनी राजधानी का सूरत रेलवे स्टेशन पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 6 महीने के लिए स्टॉपेज रखा गया है, इसलिए अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकी है सूरत पे, पहले नहीं रुकती थी। और अभी इस ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का स्टॉपेज रखा गया है। चलो भाई चलते हैं वापस सूरत से, हमने देखा है हमेशा ऑन टाइम डिपार्चर होता है, 3 मिनट तो 3 मिनट ही रुकेगी ट्रेन, इससे ज़्यादा रुकती नहीं है।
अभी रात का बज रहा है 8:42 और अपन लोगों को डिनर सर्व कर दिया है। तो डिनर भी हमने वेज ही मंगाया था, तो यहाँ पर है दाल फ्राई, मटर पनीर। और मटर पनीर तो भाई देखने में एकदम टेस्टी लग रही है, एकदम गर्मा गर्म, देख लो ना एकदम गर्मा गर्म। आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, दही, चावल और 2 पराठे। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं मटर पनीर, एकदम गर्म है। टेस्टी है, मतलब दिन में भी जो पनीर की सब्जी आई थी वो टेस्टी थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अब देखते हैं दाल। वाह भाई वाह, दाल भी एकदम बढ़िया। और आलू शिमला मिर्च की सब्जी भी, जो सूखी सब्जी है ना, उसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया। और गर्मा गर्म है खाना, तो चलो फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। तो डिनर अपना हो गया है कंप्लीट, और भाई क्या बढ़िया एकदम टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया सही में। और हमारी पानी की बोतल जो सुबह मिली थी ना, वो हो गई थी ख़त्म, तो हमने एक और पानी की बोतल ले ली है। और ये भी एक चीज़ हमें आपको बतानी थी, जब आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो, खाना तो इसमें रहता ही है, आप और ले सकते हो, अनलिमिटेड रहता है एक हिसाब से, ठीक है ना, एक हिसाब से क्या, हर हिसाब से है ना, खाना पीना आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। और पानी भी जैसे थर्ड एसी सेकेंड एसी में होता है कि 20 घंटे में एक बोतल दी जाती है, लेकिन फर्स्ट एसी में अनलिमिटेड 1, 2, 3, 4 आप जितना पी पाओ उतनी बोतल ले सकते हो। तो अभी हमने एक और बोतल ले ली है, तो हमने सोचा आपको भी ये चीज़ बता दें, जब भी आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो पानी की कोई टेंशन नहीं भाई, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना पियो। खाने के बाद जैसे कि दिन में बताया था ना, मैं लंच के बाद आइसक्रीम दी थी मीठे में, तो अभी भी खाने के बाद मीठे में आइसक्रीम दी गई है, बट हम तो खाएंगे नहीं भाई, क्योंकि ठंडक हो रहा है, ठंडक मौसम ठंडा हो रहा है, कोच तो ठंडा है ही है, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम देते हैं अभी आप इनको भैया जी आइसक्रीम, आप खा लीजिएगा, गला ख़राब है आपका, आपका ही गला ख़राब है। हम इसी चक्कर में नहीं खा रहे हैं, मौसम ठंडा है ना, दिन में भी इसलिए नहीं खाई थी। चलो एक और है, वो कोच अटेंडेंट है ना वो, हाँ चलो अपने कोच के जो कोच अटेंडेंट है ना, उनको दे देते हैं आइसक्रीम, उनसे भी बातचीत हुई है, व्यवहार बातचीत में बहुत बढ़िया है वो भी, जो भी स्ट्रीम का स्टाफ वगैरह है ना, काफ़ी बढ़िया लगा अभी तक हमको बातचीत में सब हुई। सर क्या करना है, लीजिए आइसक्रीम। अरे मौसम ठंडा हो गया ना, हमको ट्रैवल करना है बैक टू बैक। निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अभी अपन लोग अपने 4th स्टॉप पे वसई रोड। और बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन की, तो ये आता है पलघर डिस्ट्रिक्ट में, और इस रेलवे स्टेशन पे 2 लाइन्स आकर मिलती हैं, वेस्टर्न लाइन एंड वसई रोड रोहा सब अर्बन लाइन, और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे। सो भाई साहब मौसम देख रहे हो ना, सुबह से जब से ट्रेन निकली हुई है तब से लगातार दिन भर पानी गिर रहा है, पूरे रूट में पानी ही पानी था। अब समझ लो जब कोंकण में एंटर करेगी ट्रेन तब क्या होगा, मज़ा आ जाएगा कोंकण और केरला में इतने पानी में। अभी
रात का बज रहा है 10:15 और ये जो ट्रेन जर्नी है ऑलमोस्ट 42 आवर्स की है, तो भाई एक पार्ट में तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो चलो आज इस ट्रेन जर्नी का त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट वन को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा है आपको इस ट्रेन का पार्ट वन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी इस ट्रेन के पार्ट टू में। और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं हमने अभी तक नहीं दिखाई हैं और बताई हैं वो हम बताएंगे आपको सेकेंड पार्ट में, से वॉशरूम की कंडीशन हो गई, इस ट्रेन का प्राइस हो गया, क्या प्राइस है भाई इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी के फर्स्ट एसी का, ये सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको पार्ट टू में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस का पार्ट टू आए आपसे मिस नहीं हो। और ट्रेन लवर सच में हमारे इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वाई फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे पार्ट टू के। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट टू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।